बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फ्लेक्सिबल बजट का, जिसमें दिया है कि ईस्ट एंड द वेस्ट इंटरप्राइजेस इज करेंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, प्रोड्यूस 10,000 यूनिट एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क एट 60% एंड 70% ऑफ द कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी पे आपको 10,000 यूनिट जो है वो दी गई है, 60% और 70% की यूनिट कैलकुलेट करनी है और साथ में ही 60% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 2% और सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है 3%। नीचे क्वेश्चन में सेलिंग यूनिट दी है 200, उसमें से 3% रिड्यूस होगा और 70% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 4% और सेलिंग प्राइस फॉल हो रहा है 5%। आगे जो है वो 50% कैपेसिटी पर वर्किंग द प्रोडक्ट कॉस्ट 180 पर यूनिट है और वो सेल हो रही है 200 पर यूनिट पे। और यूनिट दी है हमें क्वेश्चंस की, मटेरियल की 100 यूनिट है, वेजेस की 30 यूनिट है और फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं 20 यूनिट, जिसमें से 40 आपकी फिक्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 30 यूनिट दी हैं और 50 आपकी फिक्स है। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। 50% पे 10,000 यूनिट है तो 60 पे कैसे निकलेगी, 10,000 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 50 यानी कि 12,000 यूनिट। उसी तरह 70% पे आपको 14,000 यूनिट निकल के आएगी। क्वेश्चन में कहा था कि जो 60% कैपेसिटी पे रॉ मटेरियल इंक्रीज हो रहा है 2%, तो रॉ मटेरियल यूनिट है 400 पर यूनिट और 2% इंक्रीज होगा तो 102 हो जाएगा। 70% पे 4% इंक्रीज है तो 70% पे 4 आपका 104 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस की बात करें तो क्वेश्चन में देख लेना, सेलिंग प्राइस 200 दिया है, उसमें से अगर 3% फॉल होगा 200 मल्टीप्लाई विथ 3 यानी कि आप 200 में से 6 लेस करके 194 आएगा। और उसी तरह 5% पे दिया है, 70% पे दिया है, उसी तरह 200 में से 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1 आपका 90 आ जाएगा यानी कि 10 आपको उसमें से लेस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो मटेरियल है 102 जो हमने कैलकुलेट किया पर यूनिट, 104 पर यूनिट हमने 70% पे कैलकुलेट किया, 102 यानी कि 102 यूनिट को आपने 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, आगे भी वैसे करना है। वेजेस आपको 30 जो है वो क्वेश्चंस में यूनिट दी है, उसी तरह आगे फर्दर आपको उसी तरह कैलकुलेट करना है। बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स के बारे में। फिक्स ओवरहेड आपका 50% है, लेकिन जो फिक्स जो है वो आपका 40% है। 40% है तो आपको 40% 20 पे निकालना है पर यूनिट पे, तो ये 8 आ जाएगा और 8 को आपने 10,000 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं जो 10,000 यूनिट है यानी कि जो 10,000 यूनिट है वो आपकी 50% पे है, तो वो अगर 80,000 आती है तो आगे भी फिक्स कॉस्ट 80,000 ही रहेगी। जहाँ तक बात है वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी निकलेगी 20 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि आपके पास आगे 12, तो 12 ही आपकी वेरिएबल पर यूनिट फिक्स रहती है, उसी तरह आपको उसको कैलकुलेट करना है। फिक्स ओवरहेड 50% है तो पर यूनिट क्वेश्चन में आपको दी हुई है यानी कि आपको 30 दी है। अब 30 का 50% निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है 15 जो है वो वेरिएबल पर यूनिट निकल के आएगी और 15 को आपने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1,50,000 निकल के आएगा। उसी तरह मैंने क्वेश्चन में कहा था सेलिंग प्राइस जो है 200 है, लेकिन सेलिंग प्राइस में आपने जो भी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो रहा है 3% और 5% उसको कैलकुलेट करके 194-190 आ जाएगा और उसमें प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा डिफरेंस करके 178.17 के साथ, तो इस तरह आपकी ये जो पूरा फॉर्मेट कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें से आप यानी कि सेलिंग प्राइस में से लॉस को डिक्रीज करके आपके पास सेल निकल के आएगी और सेल में से टोटल कॉस्ट डिक्रीज करके आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा।